नमस्कार, आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूं पांच राज्य की बड़ी खबरें। अब चंडीगढ़ में एयर क्वालिटी कैसी है, हवा में पर्टिकुलेट मैटर्स कितना करता है, इसको लेकर आपको हर 15 मिनट में जानकारी मिल सकेगी। चंडीगढ़ में रियल टाइम आधारित पहला एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंटर रेडी हो गया है और मंगलवार को इसका उद्घाटन चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनोर करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल इस सेंटर को दो डिस्प्ले बोर्ड के साथ कनेक्ट किया गया है। एक सेंटर सेक्टर 25 के पंजाब यूनिवर्सिटी के साउथ सेंटर में बनाया गया है, वहां पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है, जबकि रियल टाइम डाटा देखने के लिए दूसरा डिस्प्ले बोर्ड पर्यावरण भवन सेक्टर 19 में लगाया गया है। करंट की चपेट में आने से चंडीगढ़ पुलिस के एएसआई सुरेंद्र कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। सुरेंद्र रविवार शाम किसी धार्मिक कार्यक्रम में गए थे, हो रही बारिश में पंडाल में लगे पोल में करंट आ गया। पोल के साथ बैठे सुरेंद्र कुमार करंट की चपेट में आ गए। उन्हें तुरंत सेक्टर 6 पंचकुला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोमवार रात करीब 10:30 बजे अंबाला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस और कार की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि कार की परखच्चे उड़ गए, वहीं मृतकों के शव कार में फंसे रह गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला। चुनावी मौसम शुरू होने वाला है, वहीं हरियाणा में जनहित की घोषणाएं करने में खट्टर सरकार पीछे क्यों रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी राहत देने का आश्वासन दिया है। प्रदेश भर के व्यापारी प्रतिनिधियों से बातचीत में सीएम ने ऐलान किया कि सरकार प्रदेश के व्यापारियों को आगजनी या प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर 5 से 50 लाख रुपए तक की बीमा सुरक्षा देगी। व्यापारी के नुकसान का आकलन जीएसटी और इनकम टैक्स रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। पंजाब के मोगा में एक आदमी को जंजीरों से बांधकर पीटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार मोगा के गोलियों खुर्द गांव में एक शख्स को जंजीरों से बांधकर पीटा गया। पुलिस का कहना है कि लोगों को संदेह था कि उस आदमी ने बिजली चोरी की शिकायत की है। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि अन्य अभी फरार है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश के मौके पर कराए जाने वाले समागमों के बारे में विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस महान समागम में शामिल होने की इच्छा जताई है और इस समारोह को सफल बनाने के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। हिमाचल के नए राज्यपाल होंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का तबादला गुजरात के राज्यपाल के तौर पर किया गया है। सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में दोनों राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा राज्यसभा सांसद के अलावा लखनऊ से भाजपा के विधायक भी रहे हैं। साल 2014 से 2019 तक यूपी के देवरिया से सांसद रहे हैं। अब हिमाचल में बसों में घुसकर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल सरकार ने सुबह में 3,281 यात्री वाहनों के परमिट को मंजूरी दे दी है। सोमवार को आयोजित स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में टैक्सी, मैक्सी, कैब, स्कूल बस और लग्जरी बसों के परमिट प्रस्ताव लगाए गए हैं। इसमें सभी लोगों के दस्तावेज सही पाए, परमिट स्वीकृत होने के बाद अब उन्हें रूट का आवंटन होगा। ओवरलोडिंग से निजात दिलाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया, इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। कहते हैं अतिथि देवो भव,
घर आया मेहमान भगवान समान होता है, लेकिन हमारे देश में लोगों की मानसिकता दिन प्रतिदिन इतनी गिर चुकी है। एक मामला दिल्ली डोमेस्टिक एयरपोर्ट से सामने आया है, जहां कनाडाई नागरिक को टैक्सी में बिठाकर बंधक बनाने व उसके साथ लूटपाट की गई। आरोपियों ने लूट के बाद उसे महिलापुर फ्लाईओवर के पास छोड़ दिया। डोमेस्टिक एयरपोर्ट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आज दिल्ली को मिलेगा नया फ्लाईओवर, जिसका नाम है राव तुलाराम फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कर कमलों द्वारा होगा। दिल्ली के बाहरी रिंग रोड से एयरपोर्ट जाने के लिए लंबे समय से चल रहा लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। वर्ष 2013 में दिल्ली सरकार ने एयरपोर्ट जाने वालों के लिए 750 मीटर की जगह 2.85 किलोमीटर लंबाई वाले सिंगल लेन फ्लाईओवर को बनाने की योजना बनाई थी, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिली और वर्ष 2014 में निर्माण शुरू हुआ। शुरुआत में फ्लाईओवर बनाने में 2 वर्ष का वक्त तय किया गया था, लेकिन हरे पेड़ों को काटने में देर से अनुमित मिलने की वजह काम बीच में रुका रहा। काम शुरू हुआ तो कंपनी ने भी लेट लतीफी की। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे 5 राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।